देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन ब दिन आंकड़े डरा रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वानगी आज के आंकड़ों से साफ देखी जा सकती है। इस साल गुरुवार सुबह पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटे में 172 लोगों की इस जानलेवा वायरस से मौत हो गई। केंद्रीय सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या बढ़कर 35,871 पहुंच गई है। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को कोरोना के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 172 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,216 पहुंच गई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।